सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आई होप आप लोगों को भी क्लियर होगा सो <coughs> so, कैसे हैं आप सभी लोग सही, सही चल रहा है पढ़ाई वगैरह सही चल रही है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सो so, हम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक भी आ रहा है अभी तो उसका भी ध्यान रखना है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहना है हमें तो यही वो टाइम है जिस टाइम पे एकदम लगे रहना है आपको यही वो टाइम पे ये इस टाइम पे कई लोग थक जाते हैं हार जाते हैं अब सोचते हैं कि छोड़ो अब अब नहीं हो पाएगा मेरे पास पंद्रह दिन है मेरे पास एक महीने है तो ये इस टाइम पे अगर आपने हाथ पीछे कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तो पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना दस दिन एक दिन जितने दिन भी हों हंड्रेड परसेंट देखना है आपको ये पीछे नहीं हटना है आपको बैकआउट नहीं करना है तो लगे रहिए चलिए हम लोग कवर कर रहे हैं आप पे इरीगेशन इंजिनियन सो माई नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन सिक्स ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और मैं यहाँ पे इरीगेशन इंजीनियरिंग कवर कर रहा हूँ जिसके अंदर कैनाल इरीगेशन सिस्टम को हम लोग समझ रहे हैं कैनाल इरीगेशन सिस्टम के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कैनाल की बात करी लॉसेस की बात करी डिज़ाइन ऑफ कैनाल की बात करी कैनाल के डिजाइन के लिए जो थ्योरी थी दो वो भी पढ़ लिए हमने प्रॉपर तरीके से नोमेरिकल भी कर लिए आज हम लोग बात करेंगे कैनाल लाइनिंग की आज पूरा हम लोगों का जो ध्यान केंद्रित रहेगा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो क्या रहेगा कैनाल लाइनिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को टाइम को वेस्ट ना करते हुए बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से और लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कर दीजिए जल्दी से फिर इसको स्टार्ट किया जाए चलिएनाल लाइनिंग so, अच्छा हमने ये देखा था कि कैनाल के अंदर लॉस हो रहा था लॉस कौन कौन से थे सीपेज लॉस और यूपरेशन लॉस ये चीज याद है उसमें भी यूपरेशन लॉस था वो बहुत कम था मेजर पोर्शन जो लॉस का था वो कौन सा था सीपेज लॉस था अब सीपेज लॉस हो रहा है कैनाल के अंदर इस लॉस को रोकने की कोशिश करी जाती है इस लॉस को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कैनाल लाइनिंग करी जा सकती अब बात आती है लाइनिंग है लाइनिंग क्या कैनाल लाइनिंग है क्या लाइनिंग है आपका लाइनिंग है आपका एक इन इनइरोबल सरफेस बनाना जैसे मान लीजिए ये कैनाल है ये कैनाल का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है इस कैनाल के क्रॉस सेक्शन पे आप यहां पे अगर अर्थ रहेगा तो वाटर क्या करेगा परमिबिलिटी अर्थ की यानी मिट्टी की ज्यादा होती है तो ये आसानी से वाटर सीप करके चला जाएगा लेकिन अगर एक इनइरोडेबल सर्फेस यहाँ पे बना दिया आपने इनइरोडेबल सर्फेस बना दिया बेड पे साइड पे तो ये पानी जो है सीप करके नहीं जाएगा सीपेज रोक देगा जब सीपेज रोक देगा तो ये सीपेज लॉस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सीपेज लॉस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग कैनाल की लाइनिंग करते हैं अभी लाइनिंग जो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से हो सकता है आप सीमेंट कंक्रीट का यूज कर लें ब्रिक का यूज कर लें टाइल्स का यूज कर लें आप एस्फाल्ट का यूज कर लें

अभी कौन सा आप दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा सीपी लॉस कैन बी रिड्यूस अप टू थ्री परसेंट ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यूज इससे भी ज्यादा भी होता है डिपेंड करेगा कौन सा यूज कर रहे हैं ठीक है लाइनिंग का मतलब समझ में आ गया आपको अब लाइनिंग करने जा रहे हो अगर लाइनिंग करने जा रहे हो तो इसके क्या फायदे होंगे एडवांटेजेस क्या है एडवांटेजेस ऑफ लाइनिंग क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला अगर आप लाइनिंग कर देंगे यानी एक इनइरोडेबल सरफेस बना देंगे तो इसकी वजह से इसकी वजह से मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं जरा एक बार मुझे खोल लेने दो आप तो होता क्या है कि एक एक इन इरोडेबल सरफेस अगर आप बना दोगे एक इन इोडेबल सर्फेस अगर आप बना दोगे तो वाटर सीपेज कम हो जाएगा सीपेज कम हो गया मतलब लॉसेस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे रिड्यूसेस लॉसेस ये सिंपल सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा सीपेज कंट्रोल वही बात है वो सीपे ये तो पिछले पेज पे देखा भी अभी आपने सीपेज को मैंने बताया क्या कर देगा कम कर देगा क्योंकि एक इन इरूडेबल सर्फेस बन गया और जब लॉसेज कम हो गए तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी इनक्रीजेज डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी अब ये भी हो सकता है अगर वाटर इधर उधर नहीं जाएगा वेस्ट नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग के चांसेस भी क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे इनक्रीज इन कमांड एरिया ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाओगे आप ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाओगे मतलब कमांड एरिया बढ़ जाएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड एक अगर आप मिट्टी से बनी हुई कैनाल है एलोवियल सॉयल से बनी हुई कैनाल है और दूसरा उसकी लाइनिंग हो रखी है दोनों में मेंटेनेंस किस में ज़्यादा है ऑब्वियसली जो मिट्टी से बनी हुई हर साल देखते होंगे लग रहा है उस पर कॉन्ट्रैक्ट निकल रहे हैं खूब पैसे की कमाई हो रही है लेकिन अगर आपने लाइनिंग कर दी तो मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा क्या हो जाता है कम हो जाता है तो ये एडवांटेजेस निकल कर के आते हैं अब मुझे ये समझना होगा बहुत इंपॉर्टेंट बात लाइनिंग क्या है ये समझ लिए एडवांटेजेस क्या है ये समझ लिए लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा बहुत सारे फ़ायदे हैं लाइनिंग के लेकिन लाइनिंग में पैसा बहुत खर्चा होता है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ही कराती है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अब ये कराने को तो करा दें सारा कैनाल का लेकिन उतना पैसा आएगा कहाँ से सारा पैसा इसी पर तो नहीं खर्च कर सकते तो हम लोग इंजीनियर्स जो होते हैं उनको एक फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन देते हैं लाइनिंग के लिए फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन ऑफ लाइनिंग मतलब कि अगर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई होता है एक्चुअली तो उसमें एक बेनिफिट टोटल बेनिफिट निकाला जाता है एनुअल और एनुअल कॉस्ट निकाला जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो होना चाहिए वो मोर देन वन होना चाहिए अगर वो मोर देन वन आ रहा है यानी उस प्रोजेक्ट से आपको फायदा मिलने वाला बेनिफिट ऊपर है कॉस्ट नीचे है तो रेशियो वन से ज्यादा यानी बेनिफिट ज्यादा होगा कॉस्ट जितना लगाएंगे उससे ज्यादा बेनिफिट होगा तो बेनिफिट अगर कॉस्ट रेशियो वन से ज्यादा आ रहा है यानी बेनिफिट होने वाला है तब आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन ऑफ लाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिकली एक्सपेंडिचर ऑन लाइनिंग इज जस्टिफाइड इफ द रिजल्टेंट एनुअल बेनिफिट एक्सीड्स एनुअल कॉस्ट दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज मोर देन वन तो एनुअल बेनिफिट कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें वो सारे जगहों पे अप्लीकेबल होगा अपॉन एनुअल कॉस्ट की बात करें कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसका रेशियो जो है वो वन से ज़्यादा होना चाहिए तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाना चाहिए ऑबियसली यही होता भी है फ़ायदा नहीं है तो फिर हम क्यों स्टार्ट करें चलने तो हमारा फिर वही चल रहा है जो बिना लाइनिंग के चल रहा है अन लाइंड कैनाल ही सही है लाइंड कैनाल करने की क्या ज़रूरत है लाइंड कैनाल करने पर कुछ फ़ायदा हो तभी करिए तो इसलिए आपको दिखा भी होगा बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा है तो बिना फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन के स्टार्ट नहीं होता है प्रोजेक्ट इसलिए बहुत कम जगहों पर दिखेगा इंडिया में ज़्यादा नहीं है और करना चाहिए जितना लाइनिंग होगा उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा क्रॉप का ये चीज़ आप समझ रहे होंगे क्योंकि लॉसेस कम हो जाएंगे वाटर प्रॉपर तरीके से आपके फील्ड में पहुंच पाएगा प्रॉपर अमाउंट में ठीक है तो चलिए ज़रा इस बात को समझते हैं मैंने बोल तो दिया कि एनुअल बेनिफिट अपॉन एनुअल कॉस्ट रेशियो शुड बी ग्रेटर देन वन लेकिन अब इस कैनाल जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें एनुअल बेनिफिट क्या है कैसे निकलेगा इस बात पर डिस्कस करते हैं हम लोग इस बात पर डिस्कस करते हैं हम लोग देखिए दो चीजें हैं पहले हम लोग एनुअल बेनिफिट निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो बात को समझिएगा फार्मूला तो आपको डायरेक्ट याद करना ही है फॉर्मूला यहां से पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं देखिए आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ ये जो कैनाल के थ्रू वाटर फार्मर को मिलता है वो वाटर गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को बेचती है कुछ रुपए पर क्यूमेक के हिसाब से बेचती है मान लीजिए अलग अलग रेट होता है तो वो बेच रही है अगर वाटर तो मान लीजिए अन कैनाल है कंपेरिजन भी करते हुए चलिएगा ध्यान से सुनिएगा बात को अन कैनाल है और एक लाइंड कैनाल है दोनों में अगर मैं 100-100 लीटर पानी छोड़ दिया तो अन कैनाल में 100 लीटर दिया हूं अगर पानी तो वो वहां पे पहुंचेगा मान लीजिए 50 लीटर फील्ड में लेकिन लाइंड कैनाल में अगर 100 लीटर पानी दिया हूं मैं तो इसमें लॉसेस कम होंगे इसमें 80 लीटर पहुंच जाएगा बीस लीटर का ही लॉस होगा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो अभी अगर गवर्नमेंट पैसा ले रही है पर लीटर के हिसाब से तो किस में आपको ज़्यादा मिला यानी इसमें अनलाइन में 50 अन लीटर का पैसा मिला और इसमें लाइन वाले में कितने लीटर का पैसा मिला 80 लीटर का यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइनिंग की वजह से कितने लीटर का हुआ 30 लीटर का हुआ 30 लीटर के हिसाब से कुछ ना कुछ पर लीटर का पैसा है तो तीस पर लीटर पैसा जो भी है एक रुपए है तो तीस रुपए का आपको बेनिफिट हुआ तीस रुपए का बेनिफिट हुआ किस वजह से लाइनिंग करी इस वजह से बात समझ मा बाकी अनलाइन में पचास लीटर जा रहा है लाइन में अस्सी लीटर जा रहा है तो तीस लीटर का फायदा दिख रहा है नहीं लाइनिंग करने से तो ये एक निकल करके आ गया क्या बेनिफिट क्लियर है पहला पहले इस पॉइंट को कवर करते हैं दूसरा पॉइंट इसमें एक और है उसको भी कवर करेंगे पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं तो इरिगेशन वाटर इसको लिख लेते हैं क्योंकि बाद में समझने में आपको आसानी रहेगी इरिगेशन वाटर इज सोल्ड इरिगेशन वाटर इज सोल्ड टू द कल्टीवेटर दैट जनरेट्स रेवेन्यू That generates revenue. Let maan लीजिए कितना rate लगा le कुछ Let rate of water. Water का रेट मान लीजिए कितना है आर वन रुपये पर क्यूमेक एक क्यूमेक का कितना रुपया? आर वन रुपये सो अब मान लीजिए लाइनिंग की वजह से कितना बचा पानी कितना बचा नहीं बताया अनलाइन में पचास और लाइन में अस्सी लीटर पहुँच रहा है तो तीस लीटर पानी बचा ना तो उस चीज़ को लिखा जाए इफ एक्स क्यू मेक अब मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ तो यहाँ पे तीस लीटर तो नहीं लिखूंगा तो एक एग्जांपल लिया था इफ एक्स क्यू मेक ऑफ वाटर इज सेव्ड इज सेव्ड बाय लाइनिंग इनिंग द एडिशनल एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू से ऊपर किया जाए एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड वुड बी कितना जनरेट होगा आपने जो है आपने जो है कितना पानी बचाया कितना एक्स्ट्रा पानी बच गया इसमें एक्स क्यूमे बचा तीस लीटर वाली कहानी है। और एक लीटर का पानी की ए, रेट क्या है आर वन तो टोटल क्या हो जाएगा एक्स इंटू आर वन इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा एक्स इंटू आर वन रुपी आपका बच गया किस वजह से लाइनिंग करने की वजह से लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी इतना ही नहीं और बचने वाला है देखिए कैसे आपका बेनिफिट मतलब ये बेनिफिट हो गया लाइनिंग करने की वजह से कितना बेनिफिट हुआ ये दिखा रहा हूं ये जो है ये साल की बात हो रही है ठीक है साल की बात हो रही है एक और बेनिफिट होने वाला है क्या बेनिफिट होने वाला मैंने बोला कि जिसमें लाइनिंग करोगे उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा आप देखे होंगे जिसमें अनलाइन कैनाल होते हैं विलेज एरिया में देखेंगे रूरल एरिया में हर साल उसकी सफाई हो रही है इसमें खूब पैसा खर्चा होता है तो वो वाला जो कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप लाइंड कैनाल में देखेंगे तो वो बच जाएगा तो वो भी एक तरीके से बेनिफिट ही तो हुआ बात समझ में आ रहा है तो बेनिफिट केवल ये नहीं हुआ जो पानी बचा उससे फायदा मिल रहा है दूसरा मेंटेनेंस से भी फायदा मिल रहा है आपको तो इस पॉइंट को भी लिखिए पॉइंट so, को ऐसे लिख लेते हैं लेट लेट आर टू रूपी मान लीजिए अनलाइन कैनाल में आर टू रुप रुपया लग रहा था आर टू रुपी बी द मेंटेनेंस कॉस्ट बी देंटेनेंस मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अनलाइन कैनाल अनलाइन कैनाल में मान लीजिए इतना रुपया लग रहा था तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो बच जाएगा कितना परसेंट बच गया मान लीजिए इफ वाई परसेंट इफ वाई परसेंट इज द सेविंग इज द सेविंग अचीव्ड इन मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे मेंटेनेंस कॉस्ट में ये अचीव किया आपने बाय लाइनिंग द कैनाल बाई लाइनिंग दानल देन एनुअल सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी वजह से तो आपका आना चाहिए था कितना आर टू रुपये खर्च होना चाहिए था लेकिन इसका वाई टू पर वाई टू परसेंट बचा लिया आपने तो वाई इंटू आर टू यानी ये एक एनुअल बेनिफिट हो गया और दूसरा ये वाला हो गया एक्स इंटू आर वन हो गया क्लियर है बात तो दोनों एनुअल बेनिफिट हो गए आपके और कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है क्लियर है अब मैं बात करने चल रहा हूं एनुअल बेनिफिट आपने निकाल लिया यहां पे अब क्या निकालना है आपको एनुअल कॉस्ट निकालना है एनुअल कॉस्ट निकालना है कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए एनुअल कॉस्ट पे बात करते हैं देखिए एनुअल कॉस्ट क्या है जब कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जैसे ये बना रहे हैं आप आ, कैनाल की लाइनिंग कर रहे हैं तो एक ही बार कुछ ना कुछ पैसा लग रहा होगा मान लीजिए सौ रुपया लगा लाइनिंग करने में तो इसकी कुछ ना कुछ डिजाइन लाइफ होगी लाइनिंग की मान लीजिए दस साल है तो अब दस साल के सौ रुपया लगा दिया आपने समझिएगा पैसा टोटल सौ रुपए लगाया है आपने लेकिन आपसे एनुअल कॉस्ट पूछ रहा है बेटा तो दस साल के लिए अब हर साल का कितना हो जाएगा सौ रुपए अगर दस साल के लिए लगाए गए दस साल डिजाइन लाइफ है उसके बाद खत्म है तो हर साल का कितना हो गया दस दस रुपये हो गए यानी हर साल ये दस रुपया कॉस्ट लगा है आपको लाइनिंग करने के लिए लेकिन अगर हर साल में बांटूंगा दस रुपये तो ये जो सौ रुपये आपने लगाए हैं एक्चुअल में अगर आप न लगाते बैंक में रखते तो इस पर कुछ ना कुछ ब्याज भी तो मिलता कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो मिलता यानी वो भी तो एक कॉस्ट हुआ सौ रुपया तो मतलब नहीं लगाए हो दस साल में जो सौ रुपये पर ब्याज आएगा वो भी पैसा तो आपने लगा दिया एक्चुअली जो दिख नहीं रहा है आपको लेकिन हो गया तो वो भी एनुअल कॉस्ट में इंक्लूड होगा लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप सौ रुपया लगाया आपने दस साल के लिए लेकिन इस सौ रुपए से जो कैपिटल बनाया आपने इसका जो वैल्यू है वो टाइम के साथ डिप्रिसिएट भी हो रहा है अरे भाई जो लाइनिंग करी है आपने टाइम के साथ उसकी वैल्यू नहीं कम हो रही है तीन बातें मैंने बताई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या मैंने क्या बोला कि सौ रुपया लगाया आपने बनाने में इसको तो एनुअली मैंने क्या किया दस साल डिजाइन लाइफ दस दस रुपए हो गए हर साल के तो दस रुपए लगे लेकिन दस रुपये लगे आप ऐसा बोल दिए आसानी से लेकिन एक्चुअल में जो सौ रुपये लगाया आपने अगर वही बैंक में रखते तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअल कॉस्ट में ऐड होगा लेकिन रेट ऑफ़ इंटरेस्ट तो ऐड कर लिए लेकिन फिर काउंटर करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐड कर लिया लेकिन जो आपने बनाया है उसकी वैल्यू टाइम के साथ तो कम हो रही है वो सौ रुपये की चीज़ थोड़ी ना रह जाएगी आप सौ रुपए पे ब्याज तो ले ले रहे हो आज कि हमने सौ रुपये लगा दिया लेकिन कल जो है सौ रुपए के हिसाब से ब्याज तो जोड़ के आपने ऐड कर लिया एनुअल कॉस्ट में लेकिन कल वो सौ रुपये की चीज थोड़ी ना रहेगी वो तो नब्बे रुपए की रहेगी परसों अस्सी रुपए की रहेगी और आप तो ब्याज जोड़ रहे हो सौ रुपये पे तो हम लोग क्या करेंगे हम तो दस दस रुपये जो एनुअली बांटे वो एनुअल कॉस्ट में ऐड करेंगे बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है और जो डिप्रिसिएशन हो रहा है इन दोनों का एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे आप और वो भी एनुअल कॉस्ट में जोड़ देंगे इस बात को आप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग आसानी से समझाने की कोशिश करी है मैंने फिर भी कोई डाउट है तो पूछिए इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड ऑनलाइनिंग रिक्वायर्ड ऑन लाइनिंग इज सी रुपए मान लीजिए सी रुपए लग रहे हैं और एंड द लाइनिंग एंड द लाइनिंग हैज लाइफ ऑफ एन ईयर्स मान लीजिए एन ईयर क्या है लाइनिंग की लाइफ है तो एनुअल एनुअल चार्ज क्या हो जाएगा अगर एनुअल चार्ज देखें आप तो ये तो पूरे डिजाइन लाइफ के लिए चार्ज हो गया ना तो पूरा लग रहा है सी रुपया कैपिटल का कॉस्ट है से डिवाइड कर दिया आपने तो एनुअल चार्ज इतना आ गया यानी इतना पैसा लगेगा ठीक है क्लियर है बात लेकिन अब एक पॉइंट और समझना होगा हमें क्या इफ आर परसेंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है बात और ये साल का है और ये सी रुपये पे लग रहा है ये सौ रुपये आपका एक लॉक्ड वैल्यू है सो एनुअल इंटरेस्ट चार्ज अगर देखेंगे आप एनुअल इंटरेस्ट देखेंगे अगर आप तो वो कितना हो जाएगा सी रुपये पे लग रहा है एनुअली लग रहा है एक साल में कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा इन टू वन इतना आ जाएगा आपका ये चार्ज भी तो आएगा लेकिन मैंने आपसे एक बात बोला या आप इंटरेस्ट तो जोड़ ले रहे हो लेकिन वैल्यू डिप्रिसिएट भी हो रही है तो सिंस सिंस द कैपिटल वैल्यू सिंस द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द एसेट डिक्रीजेज डिक्रीजेज फ्रॉम सी टू जीरो यानी सी रुपये आज है कल कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा लास्ट में डिजाइन लाइफ के एंड में क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू जीरो इस बात को कवर करते हो एवरेज एनुअल इंटरेस्ट एवरेज एनुअल इंटरेस्ट तब कितना होगा एवरेज एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा अभी तो ये बोल रहे थे अभी ये बात जब डिस्कस किए तो इसको क्या काम करते हैं हम लोग आर न लेकर के इसका आधा ले लेते हैं यानी एक एनुअल एवरेज इंटरेस्ट ले लेते हैं हम लोग तो पहला तो ये सी बाई एन आ गया आपका एनुअल कॉस्ट और दूसरा जो निकल करके आएगा सी बाई टू इंटू आर बाई हंड्रेड क्या ये बात समझ में आई? ठीक है अब ये बात समझिए जरा अब क्या होगा अब टोटल एनुअल बेनिफिट कितना निकाला आपने टोटल एनुअल बेनिफिट आपने निकाला इधर आइए जरा निकाला है आपने x इंटू आर वन प्लस वाई इंटू आर टू एक आर वन प्लस वाई इंटू आर टू ठीक है इतना हो गया टोटल एनुअल कॉस्ट कितना निकाला आपने टोटल एनुअल कॉस्ट कितना निकाला आपने इधर आइए देखिए सी बाई एन सी बाई एन प्लस कितना निकाला आपने सी बाई टू इंटू आर बाई हंड्रेड बात समझ में आ गई क्लियर है तो अगर मैं देखूं, तो आपने बोला टोटल एनुअल बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो जो है वो निकलकर क्या आ जाएगा है? x इंटू आर वन प्लस वाई इंटू आर टू अपॉन में क्या आ जाएगा आपका c बाई एन यह फॉर्मूला कई बार पूछा गया है डायरेक्ट फॉर्मूला और इस पे क्वेश्चन में तो ये बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो होता है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ग्रेटर देन वन बताइए कोई डाउट है इसमें सही है सो बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो कैसे निकाला गया इस चीज को समझाने की कोशिश करी मैंने तो कहीं पे भी निकाल सकते हैं आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं सब में जो है बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो निकालना पड़ता है आपको और क्यों निकालना पड़ता है क्योंकि इससे जो है आप इससे जो है आइडिया लगा सकें कि जैसे मान लीजिए आप आप लखनऊ में लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अब लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो ऐसे थोड़ी ना मैं कहीं भी स्टार्ट कर दूंगा ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आगरा में स्टार्ट कर दे रहा हूँ गोरखपुर में हालांकि हो रहा है कहीं पे भी स्टार्ट हो जा रहा है तो हर जगहों पे पहले क्या किया गया होगा अगर गोरखपुर में स्टार्ट करना होगा तो उनसे बोला गया होगा कि अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ तो वो तो एक लोकेशन देखते हैं लोकेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि चलो ठीक है यहाँ बन सकता है नहीं बन सकता है, वो अलग बात होगी लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ मेट्रो बनाऊँ यहाँ पे तो क्या इतने वहाँ पे कंज्यूमर हैं क्या इतने यात्री हैं पैसेंजर हैं कि जो पैसा दे दें और उससे जो खर्च होने वाला है मेट्रो पर वो पैसा निकल सके ये भी तो देखना होगा हमें पता चले दस लोगों के लिए आप मेट्रो बना दिए सौ लोगों के लिए मेट्रो बना दिए आपको ये भी तो देखना होगा कि कितने पैसेंजर हैं क्या वो इतना पैसा दे पाएंगे कि मेरा जो खर्चा होने वाला वो निकल जाए यानी बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन वन अगर आप देखेंगे तभी तो स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट वो बात अलग है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी स्टार्ट कर दें देखें बेनिफिट देखते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट देखते हैं तो इसलिए घाटा भी हो तब भी स्टार्ट कर देते हैं तो वो मैटर अलग है ठीक अब हम लोग समझेंगे क्या अब हम लोग समझेंगे कि ये तो समझ में आ गया फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन दे दिया चलो इससे ज्यादा है तो लाइनिंग करो अब लाइनिंग करने पे आएंगे हम लोग अब लाइनिंग करने के लिए डिजाइन कैसे किया जाता है डिजाइन ऑफ लाइन के नाल तो डिजाइनिंग दो तरीके से करते हैं एक ट्रेपोजाइडल होता है एक ट्रेंगुलर होता है दोनों तरीके कल के क्लास में हम लोग देखेंगे आज नहीं तो आज इतना ही कवर करेंगे हम लोग बहुत अच्छा सेशन रहा अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको और गेट की तैयारी को फॉलो कर लीजिए आपसे मैंने बोला इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए गेट की तैयारी को ठीक है और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए यूट्यूब पर जुड़ जाइए दोस्तों के साथ शेयर करिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाइए तभी तो यहाँ पे और ज़्यादा और अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मज़ा हो रहा आ रहा होगा है यो अगर आ रहा है मज़ा बहुत अच्छा लग रहा है लेक्चर तो लाइक करिए दोस्तों को भी शेयर करिए बांटिए इसको ठीक है प्रॉपर प्ले लिस्ट दीजिए कहिए ये लो इरीगेशन पूरा पढ़ो मजा आ जाएगा अगर अच्छा लगे तो नहीं लगा छोड़ दीजिए कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं ठीक है मिलते हैं कल के क्लास में और तब तक के लिए थैंक यू सो मच